भी तो हमारे है राम और जान, राम और राम के बगैर जान नहीं है, जान के बगैर राम नहीं, तभी जाके रमजान बना है। तो रमजान में भी महंगाई खत्म चाहिए, आई होली में भी महंगाई खत्म चाहिए। वही मोदी जी है ना जो आपसे पहले बोलते थे कि महंगाई का मान ही बोला जाता है प्रधानमंत्री जी से, आज वही मोदी जी बोले ना इस महंगाई पे। अगर जो उनके हिम्मत, उनके अंदर हिम्मत है, वो बताते थे ना 56 इंची का सीना है, वो 56 इंची का सीना आज कहाँ है जो पेट्रोल पे पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। खरीदना पड़ता है भाई, यहाँ सबको फ्री मिल रहा है, यानी कि बेवकूफ बना रहे हो आप, पूरे देश को ही गरीब बना करके खत्म ही करने के चक्कर में लग गए हो। हर दिन हर रोज एक कत्लेआम हो रहा है, हर रोज एक कत्लेआम हो रहा है, तुम कह रहे हो सुरक्षित कर दिया। टाइट करने के लिए किया गया है तेरे भैया, सबसे पहले टाइट तो हम हिंदू है ना हो रहे हैं कि भाई बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। अरे गोबर पात्रा की संदीप पात्रा, कौन पात्रा की बात कर रहे हैं जी जो है ना, उनको अपना तो कोई परिवार व्यवहार होता है नहीं। अब भैया आम जनता का जो है कमर ढीला कर दिए, गैस का दाम फिर 50 रुपया बढ़ा दिए हैं, आज चल रहा है ट्विटरवा पर कि भाई टाइट करने के लिए किया गया है। तेरे भैया सबसे पहले टाइट तो हम हिंदू है ना हो रहे हैं, चोरी टाइट किया जा रहा है। अब बताइए होली में पकौड़ा हम कहाँ से खाएंगे, होली कैसे मनेगा? होली एक दिन, रमजान 30 दिन है। तो देखिए 30 दिन वो भी तो हमारे है राम और जान, राम और राम के बगैर जान नहीं, जान के बगैर राम नहीं, तभी जाके रमजान बना है। तो रमजान में भी महंगाई खत्म चाहिए, आई होली में भी महंगाई खत्म चाहिए। आज हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है, 65वां स्थापना दिवस है, उसकी शुभकामनाएं भी हम आपको देते हैं और तमाम भारतीयों को देते हैं। और साथ देख रहे हैं कि तिरंगा झंडा भी लहरा रहा है और पार्टी का झंडा भी लहरा रहा है। देश हित में महंगाई झेल नहीं सकते क्या? अजी देश हित में तो हम महंगाई झेलते झेलते इस स्थिति में गए हैं कि देख रहे हैं सिलेंडर लेकर रोडवा पर घूम रहे हैं। और ये प्रतीकात्मक विरोध है हमारा, हम अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मांग करता है कि भाई बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार, और यथाशीघ्र जो है महंगाई को कम करे। घर में लाले पड़े हुए हैं, घर में गृहिणियों से रोज झगड़ा होता है कि भैया थोड़ा कम गैस खर्च करो। आप नहीं चाह रहे कि देश विकास करे? खूब चाहते हैं, लेकिन विकास हो कहाँ रहा है? विकास तो खाली भाजपाइया का हो रहा है ना, आम आदमी तो त्रस्त है ना। आप देखिए ना लोगों का चेहरा पर, किसे कल ये चेहरा, नौजवान चेहरा खिलना चाहिए, लेकिन ये मुरझा जो गया है तो इसको मोदी जी चूस गए। पूरे देश के नौजवानों को चूसने का काम कर रहे हैं महंगाई दे दे करके, और कारोबार है नहीं तो उसका हम लोग रोड़ा बन रहा है। आप लोग विकास में, विकास है कहाँ? गुजरात से अब तक निकल के यहाँ तक तो आया नहीं है। विश्वगुरु बना दिया, हर जगह बना रहे हैं। अरे आप लोग उसको और प्रचार कीजिए कि विश्वगुरु, यहाँ अपने घर के गुरु आज बनने के लिए आदमी तैयार नहीं हो रहा है। हम अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं तो कहे कि हम विश्वगुरु हो गए जी। लोग कह रहे हैं, बात कर पाकिस्तान की महंगाई देखिए कितनी है, तो ये हिंदुस्तान है। 500 रुपए आटा लोग खरीदे तो हम हिंदुस्तानी ना है। हम जब उसको गद्दी दिए थे तो हमको ही कहा गया था कि महंगाई बिल्कुल खत्म कर देंगे, नौकरी बढ़ा देंगे और सुरक्षा का माहौल होगा, लेकिन न सुरक्षा मिल रहा है, न महंगाई खत्म हो रहा है और हर महीने रेट बढ़ रहा है। आमदनी तो बढ़ रही है ना, महंगाई बढ़ रही तो आमदनी बढ़ रही है। किसको बढ़ा है? आपको मिला है तनख्वाह भर के मिला है? यहाँ कोरोना काल से तो जिसका तनख्वाह 20,000 था वो 10,000 में आके सिमट गया है, तनख्वाह तो ये हाल हो गया साहब। गरीब लोग मरने की स्थिति में है, आत्महत्या करने की स्थिति में है, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं देख रहा है। महंगाई लग रहा है भाई साहब जी? बिल्कुल महंगाई लग रहा है, बिल्कुल महंगाई लग रहा है, और सरकार का इस महंगाई पर ध्यान नहीं है, बल्कि सरकार तो ये हर बार हर महीने किसी न किसी चीज़ पे महंगाई बढ़ाती जा रही है। अभी सिलेंडर का मामला ताजी आपको दिख रहा है, महंगाई का जो मुद्दा है सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ नफरत के बीज बोकर सत्ता की लहलाती फलर उगाने के चक्कर में लगी रही है। विकास का बीज बो रही है? ये विकास का नहीं, ये कमर तोड़ने का बीज बो रही है जनता के साथ। ये कमर तोड़ महंगाई चल रही है, विकास की नहीं है, ये विनाश की बीज बो रही है। सरकार चाहती है कि हमारे हिंदुस्तान का जनता जो है ना इस हालात में हो जाए कि उसको एक रोटी भी दे तो हमको खुदा माने। उसी का नतीजा है कि आज 5 किलो जो राशन दिया जा रहा है लोगों का मुंह बंद करने के लिए, लेकिन उस राशन को पकाने के लिए गैसवा चाहिए कि नहीं चाहिए? लोग कह रहे
मोदी जी नहीं होते या गोबर नाली वाला गैस से खाना बनेगा अब नाली वाला गैस से खाना बनाएंगे प्रधानमंत्री जी बोले नहीं थे कि हम तो नाली के गैस में से नालियों में से गैस निकालते हैं तो ये विकास की ओर बढ़ा रहे हैं ये कलाकारी जो है भाजपाई के पास है आम हिंदुस्तानी बड़ा सीधा साधा है वो चाहता है कि लोग इतना कमजोर हो जाए कि हमारे खिलाफ न बोल सके लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये मेरे सरकार ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की गरीब जनता जब जब जागी है तो सिंहासन डोला है अब बहुत हो गया आपकी महंगाई की मार आप इस महंगाई को या तो वापस लो अन्यथा ये तो प्रतीकात्मक विरोध है बहुत जल्द बड़े स्तर पर सड़कों पर प्रदर्शन किया जाए जापान में खाने पीने की चीजों पर लिमिट लग गई है लेकिन भारत चमत्कार दिखा रहा पूरी दुनिया में आप खुशी नहीं होती देखिए वो चमत्कार उसी को कहा जाता है चमत्कार उसी को कहा जाता है जहाँ से कि लोगों के पेट में दाना आ जाए चमत्कार उसको कहा जाएगा कि जिस बच्चे के घर में हाथ में कलम नहीं उसको कलम पकड़ा दिया जाए तब तो वो चमत्कार है और वैसे वह मस्त है तू भी पागल हम भी पागल तो दुनिया पागल बनता जाए तो हम भी बन जाए ये बताइए आपको महंगाई हैगी जी महंगाई आपको भी पता महंगाई है जब तो हम सिलेंडर लेकर हाथ में चिल्ले हैं सिलेंडर ले महंगाई बहुत ज्यादा है सिलेंडर बिजली तेल पेट्रोल डीजल ये महंगाई नहीं दिखाई दे रही आपको ये सब भैया आपकी मेहरबानी मीडिया वालों की मीडिया वाले खड़ा बढ़ा कर कह रहे हैं आप लोगों की मेहरबानी तो ये जो आजकल मोदी की तारीफ कर करके हम भी ये चाहते हैं हिंदू या मुसलमान कोई भी सही सबसे पहले काम डीजल पेट्रोल गैस हमें ये चाहिए ना अब बताओ 50 रुपये बढ़ा दिए इस पे गैस पे आज मुझे बताओ आप ये महंगाई है हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं ये महंगाई को कम करा जाए और गरीब आदमी को लाभ मिला जाए इन पे लगाम लगी जाए जो गरीब आदमी है अपनी रोटी गैस पे बना दे गैस पे बना ले हाँ जी तो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी तो देते हैं मोदी जी अरे सब्सिडी खत्म हो रही है वो 1000-1200 रुपया कहाँ से लाएगा वो गरीब आदमी जो फ्री में सिलेंडर हर चीज का विरोधी करना है मोदी जी यानी कि पिज्जा खा लीजिएगा 1200 का सिलेंडर एक काम कीजिए ना चाहिए मोदी जी से आप चंदा लेकर के मोदी जी का छापिए हमको जरूरत नहीं है हम अपना काम कर लेंगे जो हमारा विरोध करना हम विरोध करेंगे मोदी जी चंदा कौन ले रहा है अरे आप मीडिया वाला बिग गए हैं लगता है अरे आप सब बिग गए महंगाई से लोग मर रहा है और आपको खाली मजाके सोचता है कि देश विकास कर गया विश्व गुरु हो गया यहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है लोग परेशान हो रहा है अरे गोबर पात्रा की संदीप पात्रा कौन पात्रा की बात कर रहे हैं वो जो हार गया था वहाँ से वही ना गोबर पात्रा तो भैया गोबर पात्रा के बात का हम ध्यान नहीं देते नहीं बैरिस्टर सुद्दीन अवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अरे मोदी जी की दलाली से अगर जो तुम्हें वक्त मिले तो देख लो देश के अंदर क्या हो रहा है लेकिन तुम्हें मोदी जी की दलाली से वक्त ही नहीं मिल रहा सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए तुम्हें नहीं दिख रहा देश खड्डे में जा रहा है तुम्हें नहीं दिख रहा विश्व गुरु बन रहा खड्डे में कौन सा विश्व गुरु बन रहा है अरे विश्व गुरु तुम्हारी किताबों में बन रहा है विश्व गुरु बन रहा है तुम्हारी किताबों में तुम्हारे कैमरों में इस जमीनी स्थल पर कोई विश्व गुरु नहीं बन रहा बात करते हो विश्व गुरु बनना है विश्व गुरु बनना है दलाली की एक हद हो चुकी है बिल्कुल दलाली में लिप्त हुए पड़े हो आप लोग अच्छा 1000 रुपया का पिज्जा खा लीजिएगा 1200 रुपये का अरे बोले ना वही मोदी जी है ना जो आपसे पहले बोलते थे कि महंगाई का मान ही बोला जाता है प्रधानमंत्री जी से आज वही मोदी जी बोले ना इस महंगाई पे अगर जो उनके हिम्मत उनके अंदर हिम्मत है वो बताते थे ना 56 इंची का सीना है वो 56 इंची का सीना आज कहाँ है जो पेट्रोल पे पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं गैस का पैसे किसको सुरक्षित कर दिया हर दिन हर रोज एक कत्ले आम हो रहा है तुम कह रहे हो सुरक्षित कर दिया सुरक्षित किसी को नहीं किया कोई सुरक्षित नहीं है बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है लोग सुरक्षित नहीं है किसी का कोई मामला नहीं है बेकार की बातें हैं कि लोग सुरक्षित है बहुत ज्यादा महंगाई है बहुत ज्यादा महंगाई है हर जगह है कहा नहीं है अरे आप लोग जले पर नमक छिड़क रहे हैं जले पर नमक छिड़क रहे हैं ना कौन नमक छिड़क रहा है मीडिया वाले छिड़क रहे हैं आप जो चीज को पूछ रहे हैं आप घर परिवार चला रहे हैं हर चौक चौराहे पर जा रहे हैं हर बहु बेटी कितनी ऑल इंडिया हर जगह महंगाई है मीडिया के स्टूडियो में छोड़ने के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो आपको महंगाई महंगाई नजर आएगी 40 रुपए दी बहुत महंगाई की 80 रुपए दिल्ली में
में तो डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी सरकार पहुंचा दिया, मां मेहनत धुआं लेते थे। तुम्हारे घर में कितने सिलेंडर पहुंचे? तुम्हारे घर में कितने सिलेंडर पहुंचे? तुम्हारे घर नहीं है, मेरे घर में सिलेंडर मैंने खरीदा है। मैं 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदता हूँ, मैं 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ता है भाई। यहाँ सबको फ्री मिल रहा है, यानी कि बेवकूफ बना रहे हो आप। पूरे देश को ही गरीब बना करके खत्म ही करने के चक्कर में लग गए हो। 5 किलो राशन देने से पेट भर रहा है। पंडित जी, होली पे आखिरी सिलेंडर भी तो मिलेगा? अरे होली का रंग बेरंग हो गया साहब, मसला नहीं है ना। होली का रंग बेरंग हो गया, फ्री सिलेंडर तो मिल रहा है होली में। भाई फ्री सिलेंडर 1 महीने खाके के पेट भर लेंगे हम लोग, 1 महीने खाके के पेट भर लेंगे। 12 महीने का पेट है ये, इसमें हर टाइम खाना चाहिए, हर टाइम हर चीज चाहिए। किस चीज के अंदर उन्होंने हमारे पास कंसेशन की? दूध, दूध, हर चीज के अंदर, हर चीज के अंदर उन्होंने महंगाई बढ़ाई है, बढ़ाई है। बताओ कौन सी चीज ऐसी है जिन्होंने उन्होंने रेट घटाए हैं? उन्होंने सिर्फ किस चीज पे पैसे घटाए? सिगरेट पे, जिससे कैंसर होता है, हैं? आटे पे पैसे बढ़ा दिए, वो हमारी